अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको 5 मरले के कॉर्नर डबल स्टोरी आलीशान घर की कंस्ट्रक्शन की तफसीलात वाली वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों ये पार्ट 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले ही बन चुके हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हुए। शुरू करते हैं हम बात इन बाहर वाली खिड़कियों से, तो इनकी मुकम्मल तफसील हमने पार्ट 3 में पहले ही बता दी है। आज की ये वीडियो खास तौर पे प्लास्टर के पूरे काम के बारे में है। आपको पता चलेगा कि 5 मरले के डबल स्टोरी घर में अब्दुल शकूर साहब के कितने बैग सीमेंट लगे, कितनी रेत लगी, किस रेट पर चीजें मिली और कैसा एक्सपीरियंस रहा। उनके तजर्बे से बहुत कुछ है आपके लिए सीखने के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 3000 लाइक्स का। 3000 लाइक्स हो गए हो फिर भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो प्लास्टर का कितना खर्चा आ गया पूरे घर पे? प्लास्टर का ये जो है वो जो ठेका था जो प्लास्टर का और कच्चे फर्श का 1,30,000 का। अच्छा, लेबर रेट जो था। अच्छा, और इसमें 130 बैग 150 राउंड अबाउट बैग सीमेंट के जी और एक डंपर रेत का जो है। अच्छा, तो रेत आपने कौन सी इस्तेमाल की, कहते हैं रिवर सैंड या वो कौन सी अच्छी? लारनसपुर की जो या गाजी की, प्लास्टर में गाजी की इस्तेमाल। जी जी जी, वो जरा उसमें जो पैदारी के लिहाज से और उसमें बेहतर है, रिजल्ट है उसका। हाँ, गाजी वालों की जो है वो एक डंपर 8 सेकंड वो लाता है, 18,000 रुपए का एक डंपर था जी। और 150 बैग सीमेंट जो है इस वक्त तक जो कच्चे फर्श करने का। जी जी जी, इसके ऊपर टाइल का जो है वो मतलब सतह जो बन गई। ठीक है, ठीक है। इस पर जो है वो ये राउंड अबाउट जो है वो अगर उसको लगा दिया जाए तो 2.5 लाख या 2.5 लाख रुपया मैक्सिमम जो है वो कास्ट आई है। ठीक है, प्लस्तर पर दोनों पोर्शन। ठीक है, ठीक है। यही प्लस्तर अगर वो आप दूसरों से करवाएं तो वो 2.5 लाख कॉस्ट आई है प्लस्तर की। वो 5 लाख 4.5 से कम। जी जी जी, मैंने चूंकि वो सारा मुझे असेस किया हुआ है। 5 मरले के डबल स्टोरी घर में 2.5 लाख का प्लस्तर हुआ है। तो कुछ लोग ये भी करते हैं ब्लॉक के ऊपर डायरेक्ट वॉल पैनल लगा देते हैं प्लस्तर किए बगैर, वो भी एक अच्छा। लेकिन वॉल पैनल में जो अभी जो शीट्स आई हैं उसमें घर में ही है, मैंने इस्लामाबाद में अपने चैम्बर में लगवाई है। हाँ, अब उसका ये है कि अभी जो कोई भी बैठता है चेयर पीछे करता है वो बड़े वो डेलिकेट से है नाजुक, लेकिन वो अब डैमेज हो गए। हाँ, एक साल के अंदर वो डैमेज हो गए। लेकिन अगर अच्छे वॉल पैनल कहीं से मिलते हैं उसमें यह है कि उसका यह है कि वो दरमियान में ऊपर हो सकते हैं लेकिन नीचे फर्श से लेकर ऊपर तक अगर लगाएं तो घर में तो बच्चे हैं, कोई भी चीज़ जो है वो आप मूव करते हुए टच हो जाती है तो वो वहाँ जो है ना वो उसको डैमेज कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए वो ऊपर तो हो सकता है लेकिन हाँ, नीचे जो है ना प्लास्टर करवाना ही पड़ेगा या आप मार्बल लगा दें, टाइल लगा दें, उसके अलावा कोई जो है ना जितनी भी चीजें हैं वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्लास्टर की इचक बीचक की समझ आ गई होगी। दोस्तों इस घर के सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की कीमतें तो हमने इन पार्ट्स में डिस्कस कर दी हैं, लेकिन अभी तक आपके साथ इसका नक्शा ही शेयर नहीं हुआ। तो क्या आप चाहते हैं कि पार्ट 5 इसके नक्शे के बारे में भी बनाई जाए? तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके इसरार करें। अगर ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया और नीचे कमेंट किया तभी वो वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये मैं आपको इस घर को बाहर से दिखाना चाहता हूँ। आपको देखिए थोड़ा सा आपको नीचे से नजर आ रहा होगा कि ईंटें लगी हैं जबकि ये बाकी घर ब्लॉक्स का बनाया है। तो यहाँ पर अब्दुल शकूर साहब ने ब्लॉक्स और ईंटों का मिक्सचर बनाया है, मतलब सब स्ट्रक्चर इन्होंने ईंटों का बनाया है और सुपर स्ट्रक्चर सारा इन्होंने ब्लॉक्स का बनाया है। तो प्लिंथ बीम से नीचे नीचे सारी ईंटों की चुनाई की दीवारें हैं, मतलब जितना वो 5 फुट नीचे गए थे बुनियादें उन्होंने ईंटों की बनाई और प्लिंथ बीम से ऊपर ऊपर उन्होंने सारे 6 इंच वाले ब्लॉक्स लगाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, ये घर भी पसंद आया होगा और इन पार्ट्स वाली वीडियोज़ के सिलसिले से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों साथ ही साथ हिना बिलाल शो को भी ज़रूर देखिए, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। देखते रहिए बिलाल जफर शो और हिना बिलाल शो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।